दोस्तों, किडनी की बीमारी हो जाना एक लाइफ चेंजिंग इवेंट होता है। ज्यादातर लोग इस बीमारी से हुए चेंजों को झेल नहीं पाते और जब ये बीमारी उन्हें हो जाती है तो उन्हें कई तरीके के मेंटल स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है। उन्हें काफी दिमागी परेशानी होने लगती है और ऐसा होना वाजिब भी है क्योंकि किडनी की बीमारी का एलोपैथी में कोई इलाज मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ज्यादातर किडनी के पेशेंटों की किडनियाँ फेलियर की कगार पर पहुंच जाती है, जहां उनकी मौत भी हो सकती है। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि एक किडनी के पेशेंट की मानसिक स्थिति कैसी रहती है और उसे दिमागी तौर पर किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली चीज तो ऐसे पेशेंटों में देखी जाती है स्ट्रेस। दोस्तों, हर इंसान स्ट्रेस से तब गुजरता है जब उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा होता है। हर इंसान के लिए चेंज बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है। अगर ये चेंज अच्छा भी हो, जैसे कि नया घर खरीदना, नई कार खरीदना, तो अभी आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहता है। पर अगर आपको किडनी फेलियर हो गया है तो आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाता है, जो कि आम लोगों की लाइफ में नहीं होता। आपकी लाइफस्टाइल में आपको तुरंत ही चेंज करना पड़ता है और ये चेंज आपकी किडनी की बीमारियों के डायग्नोसिस के तुरंत बाद चालू हो जाता है। पर साथ ही साथ आपकी डाइट में भी चेंज होने लगता है। आपको बहुत सारी दवाइयां भी खानी पड़ती हैं, आपको तरह तरह के ट्रीटमेंट का सहारा लेना पड़ता है। इन सारी चीजों का मतलब ये है कि आपके दिमाग में कई सारी इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है, जिसकी वजह से आपको कई सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं और लाइफ में कई सारी प्रैक्टिकल चीजें देखनी पड़ती हैं। आपको अपनी नई लाइफ के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है और एडजस्ट करना किसी को अच्छा नहीं लगता। आपको दूसरों पर निर्भर होने की जरूरत भी पड़ने लगती है। ये सारी चीजें काफी स्ट्रेसफुल हो सकती हैं और इसी वजह से आपके शरीर में भी ये एक्स्ट्रा जोर डालती रहती हैं। ऐसे ज्यादातर पेशेंटों को शॉक भी लगता है। अगर आपको एक दिन से बताया गया कि आपकी किडनियां फेल होने की कगार पर हैं, तो ये काफी शौक भरा हो सकता है। आप सोचेंगे कि आप तो भले चंगे महसूस कर रहे हैं, आपको उसकी कोई वजह भी नहीं समझ में आएगी। आपको ये लगने लगेगा बिना कुछ किए आपको एक लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी हो चुकी है। आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आखिर हो क्या रहा है, आप क्या फील कर रहे हैं, ये किसको बता भी नहीं पाएंगे। आपको यही चीज बार बार अपने रिश्तेदारों से सुननी पड़ेगी और इसी वजह से आप अपनी फैमिली और दोस्तों से भी ये बातें शेयर नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोगों को दुख भी बहुत महसूस होता है। ये दुख आता है आपकी लाइफ में होने वाले चेंजेस की वजह से और आपकी नॉर्मल लाइफ बदल जाने की वजह से। आपको ये लगने लगता है कि अब आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता और आपकी मौत पक्की है। इस वजह से आप हमेशा दुख के मूड में रहते हैं। साथ ही साथ कई लोगों को डर भी महसूस हो रहा होता है। लोगों को लगता है कि अब वो जिंदगी के किनारे पर हैं। वो अपनी लाइफ को अब सेफ नहीं समझते और हमेशा डर में रहते हैं। डर और एंजाइटी के ऐसे इमोशन हैं जो तबाने लगते हैं जब आपको ऐसी कोई बीमारी हो जाती है जिसका नतीजा मौत होती है। आप ये सोचने लगेंगे कि कैसे ये बीमारी आपको और आपकी फैमिली को अफेक्ट कर रही है। ये बीमारी आपके फ्यूचर को भी अफेक्ट करेगी। इसी वजह से शरीर में एंजाइटी बहुत ही ज्यादा हो जाती है और आपको लाइफ चॉइसेस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है। आपको लगने लगता है कि आपके फैमिली मेंबर आपको कमजोर समझने लगेंगे। आपको लगने लगता है कि आपकी लाइफ पर आपका कंट्रोल बिल्कुल नहीं रह गया। आप अपनी आजादी खो चुके हैं और आप जिनसे प्यार करते हैं उन पर अब आप बोझ बनते जा रहे हैं। ये फीलिंग काफी डरावनी हो सकती है और आप काफी इमोशनल भी महसूस कर सकते हैं। आप ये सोचने लगते हैं कि किसी की भी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं और ये चीज काफी डीमोटिवेटिंग हो जाती है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे किडनी की बीमारी से गुजर रहा पेशेंट तरह तरह के इमोशन से गुजरता रहता है। अगर आप ऐसे ही एक किडनी के पेशेंट हैं, तो आपको जरूरत है किसी से बात करने की। आपको जरूरत है उनकी जिन्हें आप प्यार करते हैं और आपको सबसे ज्यादा जरूरत है अपनी किडनी की बीमारियों को ठीक कर दिखाने की, जिसमें आपकी मदद करेगा कर्म आयुर्वेदा का हजारों साल पुराना आयुर्वेदिक ज्ञान। यहाँ डॉक्टर पुनीत धवन डेली न जाने कितने ही पेशेंटों की क्रॉनिक किडनी बीमारियां ठीक कर दिखाते हैं। आशा है वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हेल्दी रहें, खुश रहें। अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।